वेलकम बच्चों, एक और वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए। एक नया टॉपिक आज कवर कर रहे हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। छोटा और आसान सा टॉपिक। प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझने से पहले हमें ये टेबल पता होना चाहिए। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू ये होती है, कॉस थीटा की वैल्यू ये होती है, टैन थीटा की वैल्यू ये होती है। समझिएगा, 0 को हम 0 रेडियंस भी बोल सकते हैं, 30 डिग्री को हम लोग पाई बाय 6 रेडियन बोलते हैं, 45 को हम पाई बाय 4 रेडियन बोलते हैं, 60 को हम पाई बाय 3 रेडियन बोलते हैं और 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 रेडियंस बोलते हैं। तो हम इन्हें रेडियंस में करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि साइन थीटा की वैल्यू सपोज हाफ है, तो ये 0 से लेकर के और 360 डिग्री तक, यानी कि पहले रेवोल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, ये 0 है और ये भी 360 है। 0 से लेकर के 360 तक, यानी कि पहले रेवोल्यूशन में साइन थीटा की वैल्यू हाफ कितनी बार आएगी और कब कब आएगी, ये होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब। ठीक है, इसे करते कैसे? बहुत सिंपल से इसके लिए ग्राफ याद करते हैं। सभी को पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, थर्ड में टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव एंड फोर्थ में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। अब रूल क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो थीटा लेना है, सेकंड में हुआ तो पाई माइनस थीटा लेना है, थर्ड में हुआ तो पाई प्लस थीटा लेना है, फोर्थ में हुआ तो 2 पाई माइनस थीटा लेना है। ये ग्राफ याद कर ले, और ये ग्राफ के जो आंसर्स हैं जिनके आगे मैं स्टार बना रहा हूं, ये देखिए, ये जिनके आगे मैं स्टार बना रहा हूं, ये वैल्यूज अगर हमने याद कर ली तो बस यही वैल्यूज है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि साइन थीटा के टेबल में हाफ कब आता है, तो साइन थीटा के टेबल में हाफ आता है पाई बाय 6 पर, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 6। अब इसके आगे साइन चेक करिए, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फिलहाल ये पॉजिटिव है। अब ये देखिए कि ऐसे कौन से दो क्वाड्रेंट है जिनमें साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है एक तो फर्स्ट में और एक सेकंड में। तो ये दो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन के क्वाड्रेंट्स हैं। तो सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर, पहला होगा थीटा, थीटा मतलब ये जो आपका आंसर आया यही लेना है पाई बाय 6, एंड दूसरा होगा पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस पाई बाय 6, यानी कि पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6 इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। एक और क्वेश्चन, इफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/√2। अब आप देखेंगे कि कॉस के टेबल में 1/√2 कब आ रहा है, तो बेटा कॉस के टेबल में 1/√2 आ रहा है पाई बाय 4 पर, तो यहां पर आपने लिख दिया cos पाई बाय 4। अब देखिए नेगेटिव है, तो सिंस cos थीटा इज नेगेटिव इन, कौन कौन से क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है? देखिए फर्स्ट और फोर्थ में cos थीटा पॉजिटिव होता है, यानी नेगेटिव कौन से दो क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड और थर्ड में। तो सिंस cos थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर, एक सेकंड का रूल ले लीजिए पाई माइनस थीटा, थीटा ये बनेगा आपका पाई बाय 4, तो एक हो गया पाई माइनस पाई बाय 4 एंड दूसरा हो गया पाई प्लस थीटा, यानी कि पाई प्लस पाई बाय 4, यानी कि ये हो गया आपका 4, यानी कि 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4, ये हो गए आपके cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2 के दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। यानी हम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा दो आते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर पॉजिटिव है तो हमेशा किसी भी दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है, और अगर वो नेगेटिव है तो हमेशा किसी भी दो क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होता है। करेक्ट है, इन दोनों को नोट करें। दो तीन क्वेश्चंस और देखते हैं, पॉज कर रहे हैं यहां पर, नोट करें इसे। आइए देखिए नेक्स्ट, इसी पर दो तीन क्वेश्चंस और करते हैं। छोटा सा एक टॉपिक कवर करेंगे आज हम, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आइए, टैन थीटा इज इक्वल टू -√3। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू -√3, तो पहले तो आप देखेंगे कि tan थीटा के टेबल में √3 कब आ रहा है। तो मेरे बच्चे, tan थीटा के टेबल में हम देख रहे हैं कि √3 कब आ रहा है बेटा, पाई बाय 3 पर आ रहा है, तो हमने इसको लिख दिया tan पाई बाय 3।
क्या आ गया मेरे बच्चे, tan pi by 3, ये बन गया हमारे लिए थीटा। अब ये नेगेटिव है, तो सिंस tan थीटा इज नेगेटिव, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर नेगेटिव। कब कब होता है tan थीटा बेटा? एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई माइनस थीटा, फोर्थ में है तो 2 पाई माइनस थीटा, और थीटा बनेगा आपका पाई बाय 3। तो पाई माइनस पाई बाय 3 ये सेकंड के लिए, एंड 2 पाई माइनस पाई बाय 3 ये फोर्थ के लिए। तो आंसर आ गया 2 पाई बाय 3 एंड 6 माइनस 1 5 पाई बाय 3। ये हो गए tan थीटा इक्वल्स टू माइनस रूट 3 के दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सपोज हमारे पास में आ गया sec थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो देखो sec को sec और cot को नहीं करते, इनको उल्टा कर लेते हैं। अगर sec थीटा 2 है तो इसका मतलब cos थीटा प्लस 1 बाय 2 है। उल्टा कर दिया दोनों को, sec का उल्टा हो गया cos और 2 का उल्टा हो गया 1 बाय 2। यहां पर वीडियो को पॉज करो, खुद से पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो, फिर आके मेरा सॉल्यूशन चेक करना। ओके आइए देखें, अब cos थीटा की वैल्यू हाफ कब है? तो cos थीटा की वैल्यू हम देख रहे हैं भाई हाफ आ रही है पाई बाय 3 पर। यहां से चेक कर रहे हैं हम कि cos थीटा की वैल्यू हाफ आ रही है पाई बाय 3 पर। तो अब ये पॉजिटिव है, तो सिंस cos थीटा इज पॉजिटिव, तो अब मेरे बच्चे कौन से क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होते बेटा? फर्स्ट में और फोर्थ में। सो देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर फर्स्ट यानी कि पाई बाय 3 यानी कि थीटा, एंड 2 पाई माइनस पाई बाय 3 यानी कि पाई बाय 3, एंड 6 माइनस 1 5 पाई बाय 3। ये दोनों इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। गॉट इट? नोट करें, एक टॉपिक हमने कंप्लीट करा आज, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जनरल सॉल्यूशंस के ऊपर, इसे कवर अप करें। थैंक यू।